Hello friends, today we are going to learn multiplication. Friends, let us see, first of all we will learn jumbled tables. So we know tables, okay? So here are jumbled tables. Let us see, first one, 2, 3, the what? We know 2, 3, the 2, 1, the 2, 2, 2, the 4, 2, 3, the what? 6. So your answer will be what? 6. After that, 5 ka table aapko 7 tak count karna hai. 5 1 da 5, 5 2 da 10, 5 3 da 15, 5 4 da 20, 5 5 da 25, 5 6 da what? 30, and 5 7 da what? 35. After that, 4 ka table kahan tak count karna hai? 6 tak. Count karo, 4 1 da 4, 4 2 da 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the what? 24. After that, we have to count table of 10 till what? 2. 2 ka table 10 tak karo ya 10 ka table 2 tak karo, okay? 10 1 the 10, 10 2 the 20. And 3 का टेबल अगेन हमें 4 तक काउंट करना है, या फिर 4 का टेबल आप 3 तक भी काउंट कर सकते हो, ओके? 3 वन द 3, 3 टू द 6, 3 3 द 9, एंड 3 4 द व्हाट? 12. सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व जंबल टेबल्स, ओके? आफ्टर दैट वी विल लर्न व्हाट मल्टीप्लीकेशन विदाउट कैरी ओवर. फ्रेंड्स, इन द सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन द नंबर which we multiply, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट नंबर इज नोन एज वॉट? मल्टीप्लीकेंड. दैट नंबर इज नोन एज वॉट? मल्टीप्लीकेंड. एंड द सेकेंड नंबर, द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई, दैट नंबर इज नोन एज वॉट? मल्टीप्लायर. उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट नंबर जो होता है, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसे मल्टीप्लिकेंट कहा जाता है. जो सेकेंड वाला नंबर होता है, जिस नंबर से हम फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट नंबर इज नोन एज व्हाट? मल्टीप्लायर. और जो दोनों का आंसर आता है, उस आंसर को कहा जाता है व्हाट? प्रोडक्ट. दैट इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्ट. ओके, सो हियर वी विल फाइंड प्रोडक्ट. 41 multiply by what? 2. So let us see, first of all we will multiply 1 by 2. 2 1 za 2. And after that we will multiply 4 by 2 again. 2 4 za 8. So 82 is the product of this sum. Okay? After that, in second one, हम 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 दा 9. फिर से इस 3 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 3 दा 9 एंड 3 2 दा 6. सो ये जो 69 है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ this multiplication. Okay, after that, next one, multiplication by carrying over. Carry over करके हमें multiplication solve करना है. Let us see here. हम 6 से 2 को multiply करेंगे पहले. 6 to the 12, जब 2 digit number आता है, तब ones place का जो digit होता है वो यहां पे लिखना पड़ता है, और tens place का digit हमें carry over करना पड़ता है box में. ओके, 6 से 2 को मल्टीप्लाई किया हमने, 6 टू द 12, 12 टू 2 हियर एंड 1 कैरी होर. आफ्टर दैट 6 से हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है. 6 1 द 6, 6 टू द 12, 6 3 द 18, और ये कैरी किया हुआ 1, 18 में अगर 1 हम प्लस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 192. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, मल्टीप्लीकेशन बाय कैरिंग ओवर. आफ्टर दैट 3 4 द अगेन 12,
12 का 2 हम यहां पे लेंगे एंड 1 जो है 10th प्लेस का वो कैरी ओवर करेंगे. आफ्टर दैट 3 8 जा 24 प्लस 1 25. सो ये आपका क्या हो जाएगा, इस मल्टीप्लीकेशन से आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा. ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट वन अगेन लेट अस सी 4 4 दा 16, 16 का 6 जो है यहां पे लिखना है हमें और जो 1 बचा है वो कैरी ओवर करना है बॉक्स में. अगेन 4 से हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है. 4 3 दा 12 प्लस 1 13 आएगा यहां पे. 13 का अगेन 3 यहां पे लिखना है, ये जो 1 है वो कैरी ओवर करना है. 2 डिजिट नंबर जब भी आएगा तो 1's प्लेस का डिजिट नीचे आएगा और 10's प्लेस का डिजिट क्या होगा, कैरी ओवर हो जाएगा. ओके सो अभी 4 से अगेन हमें इसको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है. 4 1 4 प्लस 1 इट विल बिकम 5. सो योर आंसर विल बी व्हाट, 536. आफ्टर दैट वी विल टर्न टुवर्ड्स व्हाट, मल्टीप्लीकेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड. वी कैन सॉल्व मल्टीप्लीकेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड. सो स्प्लिटिंग मेथड करना, स्प्लिटिंग मेथड से मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना मीन्स व्हाट, लेट अस सी. 13 इसे हमें क्या करना है बेटा, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखोगे एक्सपांडेड फॉर्म में, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके मैंने क्या किया, 10 एंड 3, 13 को 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 में क्या किया, स्प्लिट कर दिया मैंने. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्प्लिट कर दिया मैंने. चलो क्या आएगा, 10 3 दा 30 प्लस 3 3 दा 9. आफ्टर दैट योर फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 39. दिस विल बी योर आंसर. ओके दिस मेथड इज नोन एज स्प्लिटिंग मेथड. ओके स्प्लिट करके एक्सपांडेड फॉर्म में लिख के उसे सॉल्व करना, दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग मेथड. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन देख लो बेटा, इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 प्लस 3. ओके सो हम उसे स्प्लिटिंग करके उसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. 100 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 3 इंटू व्हाट, 2. मैंने क्या कर दिया, इसे स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 100 टू द 200 प्लस 20 टू द व्हाट, 40 प्लस 3 टू द व्हाट, 6. नाउ वी कैन राइट दिस नंबर इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, 246. दिस विल बी योर व्हाट, फाइनल आंसर. सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व मल्टीप्लीकेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड. ओके आफ्टर दैट वी विल टर्न टूवर्ड्स व्हाट, वर्ड प्रॉब्लम्स. लेट अस सी फर्स्ट वन, इफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, 28. 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, 28. देन वी हैव टू फाइंड आउट 70 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क इज देयर. ओके ओनली क्या करना है बेटा, आंसर तो सेम रहेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 4 इज इक्वल टू व्हाट, 28. 7 4 28. हमने क्या किया है यहां पे, एक जीरो ऐड कर दिया है, इट विल बिकम व्हाट, 70 मल्टीप्लाइड बाय 4. लास्ट में हमें सिर्फ क्या करना है, वी हैव टू ओनली ऐड जीरो, द आंसर विल बी व्हाट, 280. आंसर विल बी व्हाट, 280. जो भी आंसर आया है इधर जितने जीरो ऐड किए हैं उतने जीरो हमें आगे क्या करने हैं, ऐड करने हैं या फिर लिखने हैं. ओके लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आफ्टर दैट सेकेंड वन, इफ द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज रुपीज 10, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाट,
7 notebooks. Again, we have to do multiplication here. If the cost of one notebook is 10, then find the cost of 7 notebook means 10 multiplied by 7. Count karo 7 ka table 10 tak ya phir 10 ka table 7 tak. आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो. एक तो 7 का टेबल 10 तक काउंट करो या फिर 10 का टेबल क्या 7 तक काउंट करो. 10 7 जा 70 और 7 10 जा 70. आंसर विल बी व्हाट सेम. ओके सो आपका आंसर आएगा यहां पे कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स is what 70 rupees what 70. Okay, if the cost of one notebook is 10, then find the cost of 7 notebook. So cost of 7 notebooks is what rupees 70. After that, let us see what third one. How many oil bags are there in 5 boxes if each box contain what 12 oil bags. एक box में कितने 12 oil bags हैं? तो 5 boxes की quantity हमें क्या करनी है? Find करनी है. Means 5 boxes में कितने oil bags रहेंगे? Okay? How many oil bags are there in 5 boxes? If each box contains what 12 oil bags? फिर से मल्टीप्लीकेशन 12 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 5 करो. 12 का टेबल आता है तो डायरेक्टली आप 5 तक काउंट कर सकते हो. नहीं आता है तो 5 का टेबल हम क्या करेंगे या फिर 5 से इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 12 को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 टू जा 10 10 टू 10 का 0 यहां पे आएगा और 1 क्या हो जाएगा कैरी ओवर. ओके 5 वन जा 5 उसमें 1 प्लस करो 5 प्लस 1 6. सो आंसर आएगा 60 ऑयल बैग्स आर देयर. देयर आर व्हाट 60 ऑयल बैग्स. ओके लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके आफ्टर दैट फोर्थ वन. इफ ईच रो हैज 6 मैंगो ट्रीज. एक रो में कितने मैंगो ट्रीज हैं? 6. देन हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन 15 रोज. अगेन वी हैव टू डू हियर व्हाट मल्टीप्लीकेशन. देखो 15 रोज हैं. ईच रो हैज व्हाट 6 मैंगो ट्रीज. सो 15 रोज की टोटल क्वांटिटी हमें क्या करनी है फाइंड करने. मीन्स 15 रोज में टोटल मैंगो ट्रीज कितने हैं. हाउ मेनी टोटल मैंगो ट्रीज आर देयर इन 15 रोज इफ ईच रो हैज व्हाट 6 मैंगो ट्रीज. ओके लेट अस सी. पहले हम 6 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 5 जा 30. 30 का 0 ओनली हमें यहां पे लेना है. जो टेंस प्लेस का डिजिट है 3 उसे हम कैरी ओवर कर देंगे. ओके After that, 6 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 1 जा 6 प्लस 3. 6 में 3 प्लस करने पड़ेंगे. वो प्लस करने के बाद बन जाएगा ये आंसर आपका क्या 90. सो आपका आंसर आएगा 90 मैंगो ट्रीज आर देयर. देयर आर व्हाट 90 मैंगो ट्रीज. ओके इन 15 रोज. ओके आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट वन. व्हाट फिफ्थ वन. फिफ्थ वन का क्या है देखो. फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 7 केक्स इफ ईच कॉस्ट रुपीज 20. देखो एक केक का प्राइस है व्हाट 20. तो 7 केक्स का प्राइस क्या होगा. हाउ मच वी हैव टू पे फॉर 7 केक्स if each cake cost rupees what 20. So again we have to do multiplication here. Ek row ka ek cake ka price hame pata hai. We have to find out
price of 7 cakes. Let us see, 7 zeros are 0. किसी भी नंबर से अगर जीरो को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आएगा. किसी भी नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई करो, द आंसर यू विल गेट व्हाट, जीरो. ओके, सेवन जीरो जा जीरो एंड सेवन टू जा 14. सो कॉस्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेवन केक्स इज what, rupees 140. This will be your what answer. Okay, after that next one beta, sixth one, what is the cost of 5 chocolates if each is costing rupees 5. Ek chocolate ka price hai what, 5 rupees. Then you have to find out the cost of what, 5 chocolates. अगेन वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन हियर. एक चॉकलेट का कॉस्ट है 5 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. 5 द, वी नो द टेबल ऑफ 5 द वॉट, 25. सो कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स इज रुपीज वॉट, 25. This will be your answer. Okay. After that, let us see seventh one. If 2 multiplied by 4 is equal to 8. First one में मैंने बताया था आपको. Answer हमें वही लिखना है. लेकिन जितने zero next number में add हुए हैं उतने zero उस answer के आगे हमें लगाने हैं. Okay. देखो, 2 multiplied by 4 is equal to 8 हमें पता है. Then 20 multiplied by 40 is equal to what? Answer same ही लिखना है, 8 ही लिखना है, यही answer आएगा. लेकिन इधर कितने zero? 1 0, 2 0, दो zeros add हुए हैं. तो उतने zeros उस answer के आगे हमें क्या करने हैं? Add करने हैं. So your answer will be what? 800. Okay, got it? समझ में आया? After that, eighth one. यहां पे टेबल लिखा है इन वर्ड्स. 9 8s आर, हमें पता है 9 का टेबल, हम सबको पता है. ओके, 9 का टेबल आप काउंट कर सकते हो. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8s are what, 72. 9 का टेबल हमें काउंट करके 9 8s are कितना होता है वो हमें यहां पे लिखना है. ओके, लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट आंसर्स. ओके, आफ्टर दैट 11 9s are, हमें 11 का टेबल भी पता है. We know the table of 11, okay? 11 9s are, ये देखो 9 8s are 72. वैसे ही 11 9s are क्या आएगा? 11 9s are 99. So your answer will be what? 99. Because we know table of 11, okay? And after that, beta, last one. What? There are 10 pencils in a box. A box means एक box में 10 pencils है. Then how many pencils are there in 9 boxes? एक box में अगर 10 pencils है तो 9 boxes में कितने pencils रहेंगे वो हमें यहां पर find out करना है. Again we have to do multiplication here. 10 multiplied by 9. As we know, किसी भी नंबर से जीरो को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा? 9 0 0, 9 नहीं लिखना है. ओके, 9 0 0. अभी 9 1 9, 9 1 9, सो योर आंसर विल बी व्हाट, 90 पेंसिल्स आर देयर. So this will be your answer.
So friends, today we learnt here what multiplication, okay? And I show you how to solve the problems of multiplication. Okay, thank you.